गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद व्लॉग। आपको लास्ट ईयर का व्लॉग तो याद ही होगा कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे बैजनाथ धाम। तो इस बार भी गए हुए थे मेरे हस्बैंड जी सावन के समय बैजनाथ धाम। तो वो वहाँ से आ चुके हैं और मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के घर। तो वहाँ तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं भी अपनी छुट्टी इंजॉय कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि 3-4 दिनों से मौसम के कारण मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आज तो व्लॉग बनाया ही जाए। अभी हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम और बाहर पूरा बादल काला हो चुका है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 4 बज रही है। तो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखाती हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि बादल कितना काला हो चुका है। अब बारिश बस होने ही वाली है। एंड यहाँ पर बैठी हुई है हमारी सोफी। सोफी को बांध के रखना पड़ता है क्योंकि सोफी आजकल बहुत ज्यादा शैतानी करने लग गई है। पता शैतानी क्यों करती है, इतना शैतानी क्यों करती है? हाँ, तो इसका जो यहाँ पे जुगाड़ लगा हुआ था तो इसी में इसको बांध के रखा जाता है थोड़ी देर के लिए। सोफी बता, इतनी मस्ती क्यों करती है तू? इधर देख, ओए इधर देखो, इतनी मस्ती क्यों करती है, इतनी मस्ती क्यों करती है? सो गाइस, फाइनली बारिश भी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे और बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। चलते हैं अंदर। और अंदर आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अंधेरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है शाम हो गई है या रात हो गई है, पता नहीं। हमारे दुर्ग में लगभग 15 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा बारिश ही हो रही थी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकला था। तो परसों थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली थी और कल तो बहुत अच्छी वाली धूप निकली थी। अब फिर से मौसम ख़राब हो गया, अब पता नहीं कि धूप कब निकलेगी। तो बहुत सारे कपड़े थे तो आधे कपड़े तो मैंने धो दिए थे कल और अच्छे से सूख भी गए हैं, बट बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने नहीं धोए थे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे और मैं भी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ भी मैंने कपड़े नहीं धुलाए। एंड सबसे बुरी बात कि मैंने मेड अभी अभी लगाई थी, अभी मीन्स 1 महीने हो गए थे मेड को लगे हुए। तो वो भी सामने वाले घर पे झाड़ू पोछा करने जाती है तो वो वहाँ पे गिर गई। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसको सीढ़ी चढ़ने से मना कर दिया और आप लोगों को पता ही है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाएगी। तो वापस आने के बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो देखते हैं कि या तो नई मेड लगा लेंगे या फिर मैं वापस पहले जैसे काम करना स्टार्ट कर दूंगी, देखते हैं। वैसे भी मुझे काम करने की आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती, बट काम बहुत ज़्यादा हो जाता था ना, इसलिए रखे थे हम मेड। बट कोई ना, देखते हैं। लास्ट ईयर मैंने व्लॉग बनाया था कि मेरे हस्बैंड बैजनाथ धाम से मेरे लिए क्या क्या लेके आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो इस बार कुछ नहीं लेके आए होंगे। तो वो इस बार भी मेरे लिए कुर्तियाँ, पर्स और भी बहुत कुछ लेके आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से व्लॉग बना के जरूर दिखाऊंगी। अभी हमारा घर पूरा का पूरा फैला हुआ है। जो हमारा कूलर है उसके ऊपर भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि बरसात के कारण बैग्स गंदे हो गए थे, तो बैग्स भी धुलने के लिए मैंने यहीं पर रख दिया है। और बेड पे भी कपड़े प्रेस करने वाले रखे हुए हैं। बहुत सारा मीन्स पूरा घर अभी फैला हुआ है, तो मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करते जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो इसकी वजह से भी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जो भी हाउस वाइफ्स हैं उनको तो पता ही है कि घर का काम ही इतना ज्यादा हो जाता है कि जितना भी करो वो कम ही होता है।